हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है अपील राइटिंग। क्या पढ़ रहे हैं? अपील राइटिंग। आ जाओ। तो अपील राइटिंग में सबसे पहले क्या करना है मालूम है क्या? आ जाओ, क्वेश्चन समझो क्या है। अपील में एक पैम्पलेट बनाना है, उसमें आपको डायलॉग लिखना है, स्लोगन लिखना है, टैगलाइन डालना है और बताना है लोगों को, अपील करना है कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा करो, इससे गलत होता है, इससे फायदा होता है। सॉरी, क्वेश्चन क्या बोला है? अपील फॉर योर कॉलेज नोटिस बोर्ड। कॉलेज के नोटिस बोर्ड। तो कॉलेज का नोटिस बोर्ड ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, तो कम लिखना, अच्छा लिखना है। क्या बोला है? नो टू जंक फूड। क्या बोला? मतलब जंक फूड मतलब वड़ा पाव, समोसा पाव, पिज्जा, ये सब मत खाओ। कॉलेज वाले कैंटीन में वही रखते हैं और अपन को भी नोटिस वही देने बोला है। चलो ठीक है, आ जाओ। से नो टू जंक फूड एंड आस्क देम टू प्रिफर हेल्थी फूड ओवर जंक फूड। तो कौन सा खाना सिलेक्ट करो? हेल्थी। तो पहले एक बहुत बड़ा बोल्ड लेटर लिखेंगे, अच्छे से कैपिटल में बोल्ड में लिखेंगे, ईट हेल्थी स्टे हेल्थी। खाओ अच्छा रहो अच्छा, है ना? खाओ अच्छा रहो अच्छा। डू यू वॉन्ट टू स्कीप दी हैबिट ऑफ फास्ट फूड? क्या आप ये सब खाना छोड़ना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू स्टे हेल्थी फिट एंड फाइन? मतलब एकदम जेठालाल जैसा रहना चाहते हैं? जेठालाल हफ्ते में एक ही दिन खाता है, क्या खाता है? जलेबी पापड़ा। बाकी का सब क्या घर पे ही खाता है खाना? आ जाओ। मतलब घर का ही खाना खाना चाहिए, बाहर के कम। तो अब क्या बोला इधर? सबसे पहले अवॉइड ईटिंग जंक फूड। जंक फूड मतलब होता है जिसमें तेल ज्यादा होता है, तेल, वो सब खाना क्या खाना चाहिए? ज्यादा की कम? कम। तो अवॉइड ईटिंग जंक फूड। नेक्स्ट क्या है? मेकिंग हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्थी फूड। घर का खाना खाओ, वो खाना खाओ जिसमें ताकत होता है। क्या होता है? चिंगम विंगम नहीं खाओ, है ना? नेक्स्ट क्या है? जंक फूड हैक्स योर ब्रेन। जंक फूड खाने से दिमाग खत्म हो जाता है, कम चलता है, दिमाग पैदल हो जाता है। क्या हो जाता है? पैदल हो जाता है। तो टू मेक ब्रेन फास्ट वी हैव टू ईट हेल्थी फूड ऑफ होम मेड। घर का खाओ, माँ के हाथ का खाओ, ओके? भले दाल चावल की हो, चटनी रोटी। हेल्थी फूड्स आर रिच इन विटामिन। जो हेल्थी फूड से, फ्रूट से, वो विटामिन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा। तो ये सब हमारे बॉडी को चाहिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ओके? पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राई आर कॉस्टली। क्या ये है ना? कबाब, चिकन, ये वो सब कॉस्टली है। हेल्थी फूड प्रोवाइड अस एनर्जी। ये सब महंगा है, कुछ मतलब नहीं है, पर जो हेल्थी फूड खाएंगे आपको एनर्जी भी मिलेगा। जंक फूड हैज हाई कैलोरीज। क्या होता है इसमें? ज़्यादा कैलोरीज होता है, ज़्यादा तेल होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, डायबिटीज बढ़ेगा, सब खत्म। जंक फूड कैन बी टेस्टी। मजा तो आता है भाई, ये तो है, मैं भी चटनी पाव खा लेता हूँ, वड़ा पाव ना, मजा तो आता है। बट क्या है, वो मजा ना बाद में सजा बन जाता है, राइट? जंक फूड कैन बी टेस्टी एंड कैन बी रीजन फॉर डिसीज लाइक हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, लिवर डिसीज, ये सब समस्या। और भी बीमारी का नाम तो उन्होंने जगह नहीं था इसलिए लिखा नहीं, ये सब बीमारी पकड़ती है। इश्यू इन पब्लिक अवेयरनेस। जनहित में जारी, लोगों को अवेयर कर दो, ये खबर छपा दो अखबार में, सबको बता दो कि फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ये सब बातें फूड और डिपार्टमेंट ऑफ, मतलब ना फूड एंड ड्रग जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उनके साथ हम ये अवेयर कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें इस तरह ये काम करना चाहिए, ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। तो जब भी अपील आएगा तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, राइट? तो ये सब तुमने स्लोगन अपने कॉलेज के नोटिस में डाल दिया। कभी कभी आएगा आपको अपील करना, न्यूज़पेपर में आएगा। क्या आएगा? आप डायग्राम भी बना सकते, पिज्ज़ा बना देने का, क्रॉस कर देने का, पिज्ज़ा बना के बर्गर बना के क्रॉस, मतलब इसको नहीं खाने का, है ना? हेल्थी फूड घर की चपाती बनाने का, एक प्लेट में दाल राइस, वो भी सिंबल बना सकते, राइट? हेल्थी फूड फ्रूट, मतलब डायग्राम बना सके तो बना देना, आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्या मिलेगा? ये है अपील राइटिंग। क्या है? एक का चार, कितना मार्क्स आएगा? चार मार्क आए। और ये अपील के ऑप्शन में आएगा तुमको फिल्म रिव्यू। क्या आएगा? तो आप लोग पिक्चर के ऊपर रिव्यू लिखना है, किसके ऊपर? फिल्म। तो मैंने शोले के ऊपर अच्छा रिव्यू बना दिया, किसके ऊपर बना दिया? शोले। हेरे फेरी पिक्चर देखा है तो अच्छे से रिव्यू लिख देने का है। बुक रिव्यू आया तो अपील लिखना है, बुक रिव्यू आया तो फिल्म रिव्यू तुम लोग लिख सकते हैं, ठीक है? थैंक यू।